नमस्कार, मैं हूँ सोनिया तोमर। हमारे शो में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर आज हम समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में, किसान बिल के विरोध में रामपुर सोहेला गांव में चला चौपाल का आयोजन किया गया, हाट चौपाल का। और इसमें किसान बिल के जो कमियां हैं उसमें, उसके बारे में किसानों को अवगत कराया गया, किसानों को जागरूक किया गया और इसका तीनों किसान बिल का जमकर विरोध किया गया। उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम का कहना है कि विपक्ष भटका रहा है, किस तरह से भटका रहा है, क्या मुद्दा है और क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, सरकार विपक्ष नहीं भटका रहा है, सरकार खुद किसानों को भटका रही है, भ्रम में डाल रही है। तीनों बिल जो हैं वो तीनों किसान विरोधी हैं और किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो इतनी छोटी सी बात समझ नहीं सकता है। जो इन्होंने तीन कानून लाए हैं उसमें कालाबाजारी को परमिशन दे दिया गया है, तो किसान इतना बेवकूफ़ नहीं, वो सब समझ रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गई है उसमें किसान गुलाम हो जाएगा, किसान ये भी समझ रहा है। किसानों को गुमराह करने का सरकार पूरी तरह प्रयास कर रही है और हम ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। अनुज सिंह यादव, ब्लॉक प्रमुख कड़ा और हमारे साथी।